महाकाल मंदिर के अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हेमंत दुबे का अश्लील वीडियो जारी होने के बाद शहर भर में नाराजगी है। मामले में मंदिर प्रशासन ने पंडित को मंदिर में प्रतिबंधित कर दिया। मुस्लिम बीजेपी सराफा मंडल का महामंत्री है। अनादिकल्पेश्वर मंदिर में महाकाल मंदिर की एक महिला कर्मचारी की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले पुजारी हेमंत दुबे के खिलाफ महाकाल मंदिर प्रशासन ने थाने पर आवेदन दिया है। वायरल वीडियो 3 अलग अलग एंगल से लिए गए, यानी कि पुजारी लंबे समय से अश्लील हरकत करता रहा, जिसके लिए वीडियो बनाने वाले लोग पहले से तैयार थे। पुलिस उन सभी वीडियो को जाँच के लिए साइबर सेल भेज रही है। खास बात यह है कि आरोपी हेमंत दुबे भाजपा सराफा मंडल का महामंत्री है, वह संघ का भी कार्यकर्ता है। प्रोफेसर सबरवाल हत्याकांड में बरी होने के बाद वह अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते महाकाल मंदिर में स्थित अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पर काबिज हो गया था। प्रोफेसर सबरवाल हत्याकांड में बरी होने के बाद वह अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते महाकाल मंदिर में स्थित अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पद पर काबिज हो गया। जब जब बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहां तक कि अमित शाह और शिवराज मंदिर में दर्शन के लिए आए, तो वह उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए कहीं न कहीं से आ ही जाता था। दुबे के खिलाफ अगर पीड़ित युवती या महिला रिपोर्ट लिखाने सामने आएगी तो केस दर्ज कर लिया जाएगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.